हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। टुडे वी विल डिस्कस द यूज ऑफ हैड इन आवर डेली यूज। नाउ वी विल कंटिन्यू विद इट्स 14 पार्ट ऑफ डेली इंग्लिश। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाया था। आई हैड माय मोबाइल फिक्स्ड। ठीक करवाने का इंग्लिश है फिक्स्ड। वह अभी आया था। ही हैड जस्ट अराइव्ड। ही हैड जस्ट अराइव्ड। मैंने अपना मोबाइल का आधुनिकीकरण करवाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिंदी का बड़ा टिपिकल वर्ड है, बट कई बार वाकई में हमें ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश वर्ड पता होता है कि और हिंदी नहीं पता होता। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम कहते हैं कि हमें अपना मोबाइल अपडेट करवाना है। अपडेट तो आप सबको पता ही होगा, आई हैड माई मोबाइल अपडेटेड। वो मान गया कि उसने रिश्वत ली थी। ही एडमिटेड ही हैड टेकन ब्राइव। ब्राइव मीन्स रिश्वत। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका एक ग्रामेटिकल फैक्टर भी है। जैसे कि यहाँ पे हैड के जो सेंटेंसेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं और साथ में उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। तो अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो ये हमारा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काश हम गेम जीत जाते या जीत गए होते। आई विश वी हैड वन द गेम। तो यहाँ पे हैड के साथ अगेन वन जो है थर्ड फॉर्म लगी हुई है। काश तुमने मुझे बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। काश तुम हमारे साथ आते। आई विश यू हैड कम विद अस। गाड़ी में मेरा पर्स चोरी हो गया था। आई हैड माई वॉलेट स्टोलन इन द ट्रेन। उससे दमा का दौरा पड़ा था। ही हैड एन एस्थमा अटैक। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए कि हैड के साथ किसी भी चीज़ में थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, बट फिर भी ये पास्ट है, बट ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। इसका थोड़ा डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ नेक्स्ट सेंटेंसेस में। No one told me that he had left. He had left. किसी ने मुझे नहीं बताया कि उसने छोड़ दिया। अब ये छोड़ दिया किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जॉब से या किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पे had के साथ अगेन लीव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, दैट इज लेफ्ट। इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। He explained in detail what he had seen. उसने विस्तार में बताया कि उसने क्या देखा था। ही एक्सप्लेन्ड। उसके पास कार थी। ये अब मैं वही चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे हैड जो है उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा हुआ। ही हैड अ कार। उसके पास एक कार थी। उसके पास एक पेन था। ही हैड अ पेन। कुछ इस तरह से हम कहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है दैट इज सिंपल पास्ट, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में किया था जो सिंपल पास्ट से रिलेटेड था। यहाँ पे जो हैड है वो इटसेल्फ एक वर्ब है। जैसे आगे देखिए, जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड का जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज हैव। तो यहाँ पे हम उसका नेगेटिव चेंज करेंगे, ही डिडंट हैव अ कार। ओके, तो अगर आप को लग रहा है यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुई है वर्ब की, तो यहाँ पे वो पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट आप ये डिडंट वर्ड से समझ गए होंगे। हमने स्वादिष्ट खाना खाया था। वी हैड अ डिलीशियस मील। उसको सांस लेने में तकलीफ थी। ही हैड ट्रबल इन ब्रीदिंग। हमने सुखद शाम बिताई थी। वी हैड अ प्लेजेंट इवनिंग। अब आप ये देख रहे होंगे इनमें से किसी के साथ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ने सिंपल पास चल रहा है। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वी हैड अ रियली गुड टाइम। हमारा अनुभव बहुत कड़वा था। वी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस।
पिछले हफ्ते हमारे बेटा हुआ। वी हैड अ बेबी बॉय लास्ट वीक। हमें इतवार को भी काम करना पड़ता था। वी हैड टू वर्क इवन ऑन संडे। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब उसे दे दिए। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। मुझे उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ती थी। आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर बेबी। काश उस वक्त मेरे पास कैमरा होता। I wish I had a camera then. काश तब मैं उसके साथ होता। I wish I had been with her then. किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। No one had anything left to say. Had और left यहाँ पे अब आप फिर से नोट कर सकते हैं। ये अगेन past perfect आ गया। किसी के पास कहने को कुछ और नहीं था। Nobody had anything more to say. मुझे रात को बहुत अजीब सपना आया था। I had a strange dream last night. मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। I had no choice but to accept. I worked on Sunday, so I had Monday off. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचें कि इसकी हिंदी क्या बनेगी। मैंने संडे को भी काम किया ताकि मंडे को मुझे ऑफ मिल सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिवाली के कारण स्कूल नहीं लगा था या स्कूल में छुट्टी थी, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। वी हैड नो स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली। इसी तरह से आप वी हैड नो ऑफिस एंड सो ऑन कुछ भी कह सकते हैं। जब वो आई मैंने तकरीबन काम खत्म कर लिया था। आई हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क व्हेन शी केम। कल मेरे बड़े भाई के साथ मेरी लड़ाई हो गई। आई हैड अ फाइट विद माई ओल्डर ब्रदर यस्टरडे। या सिंपल भी आई हैड अ फाइट यस्टरडे, मेरी कल लड़ाई हो गई। कुछ भी इस तरह से भी सिंपल आप बोल सकते हैं। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं या आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है तो सिर्फ लर्न इंग्लिश विद चेरी सर्च बॉक्स में यूट्यूब के जाके टाइप कीजिए। आप सारे मेरे वीडियोस वहाँ देख सकते हैं और वहाँ पे मेरे चैनल को क्लिक करके आप वहाँ की प्लेलिस्ट में अपने सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।